मम्मी जो है करवे के लिए तैयार हो गई है। अब वो तैयारी कर रही है करवा पूजन के लिए। देखिए आपको दिखाते हैं हम। इसमें हमने भकोसे डाले हैं, मिठाई डाली है और चावल डाले हैं और आटे की लोइयाँ डाली हैं। इस तरह हमारे में करवा तैयार किया जाता है। और अब इस कटोरी पे रखेंगे कटोरी और इसमें हम गेहूं डालेंगे। इसको अच्छक बोलते हैं और इसके ऊपर दिया रखते हैं क्योंकि दिए को कभी खाली नहीं रखते, अन्न के ऊपर ही रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे करवा कैसे मनाते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, इस तरह से गेहूं रख के और इस पे दिया रखा जाएगा और इस दिए को जलाएंगे और ऊपर ले चलेंगे। जब छत पे पूजा करने जाएंगे तब इसको ऊपर ले चलेंगे। और ये देखिए चावल है पिसा हुआ, इसके हाथ के थापे लगते हैं और हल्दी के लगते हैं। ये गोबर की बनी हुई गौर है, इसके अंदर सिंदूर रखा जाता है, इसको पूजते हैं और काजल टीका करते हैं। कंकड़ी रखी जाती है, इनको गौर माना जाता है, पूजा होती है। और ये माता के पास रखा जाएगा अभी, जब ऊपर जाएंगे हम तो इनको लेके जाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, सीमा कुमारी यूट्यूब चैनल पे। आज करवा चौथ है तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और देखिए आज हम अपना करवा चौथ की तैयारी कैसे कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो हम देखिए बनाने जा रहे हैं शाही पनीर, पूड़ी और भकोसे। कानपुर में इसको भकोसा कहते हैं और हमारे सुल्तानपुर साइड में इसको फरा कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाने जा रहे हैं हम, और आप बने रहिए हमारी वीडियो पे, हम आपको दिखाते जाएंगे कि कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। ये देखिए मैं ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। मैंने ये प्याज टमाटर लहसुन सारी चीज़ें काट ली हैं। मैंने आपको जैसे कि शाही पनीर का वीडियो दे रखा है और ये चने की दालें भिगो रखी है, इसको मैं पीसने जा रही हूँ और फिर हम बनाएंगे भकोसे। देखिए गाइस गैस जला रहे हैं हम और अपना शाही पनीर का मसाला रख रहे हैं। और हम आपको शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे कि आज हम करवे चौथ पे क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। हम भकोसे भी बनाएंगे तो उसका भी शॉर्ट ही वीडियो दिखाएंगे आपको, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है, जल्दी जल्दी व्रत की तैयारी करनी है। तो हमने इसको चढ़ा दिया, जब तक ये पकता है हम अपनी चने की दाल को पीस लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे और इसके भकोसे बनाने की तैयारी करेंगे। देखते रहिए आप, बने रहिए मेरी वीडियो पे। ये देखिए गाइस चने की दाल पीस ली है, अब हम इसके भकोसे बनाने जा रहे हैं। और हमारा पनीर का मसाला रेडी हो गया, उसको भी मिक्सी में पीसेंगे। देखते रहिए आप। इसमें हमने सारे मसाले डाल लिए हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक और हम डाल रहे हींग। सभी को मिला देंगे। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे भकोसे का, तब हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। अभी तो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं कि करवा चौथ की तैयारी हमने कैसे करी, इसीलिए हम आपको सब दिखा रहे हैं। देखिए गाइस हम पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी बनाने के बाद हम सब्जी बनाएंगे और फिर अपने भकोसे पकाएंगे और उसके बाद हम करवे की तैयारी करेंगे। आपको दिखाएंगे कि करवे में हम करवे की तैयारी कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो पे एंड तक। और आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ भी दिखाएंगे कि हम करवे की पूजा कैसे करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी पूरी सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। अब हम सब्जी छोंकने चल रहे हैं, आप देखते रहिए। अब हम पनीर की सब्जी बनाने चल रहे हैं। ये देखिए हमने लिए जीरा, जीरे से छोंकेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। ये है कस्तूरी मेथी, इसको भी हम तड़के में डालेंगे। तो जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसको हम डाल रहे हैं और इसमें डालेंगे मसाले। हम इसमें डाल रहे हैं मसाला, ये डाल रहे हैं हाफ टू स्पून हल्दी, हाफ टू स्पून धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून मिर्ची और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप जिस तरह नमक खाते हो अपने स्वाद के अनुसार, एक चम्मच और ये दूसरा चम्मच। मसालों को अच्छी तरह और 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी सुंदर लग रही है, शाही पनीर जैसी बिल्कुल। मसाला देखिए भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। हमारी सब्जी रेडी हो गई है 10 मिनट में, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी शाही पनीर, देख सकते हैं आप, ये थोड़ी ठीक है, हम इसलिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ी ग्रेवी और बनाएंगे। ये जो मसाला पीसा था मिक्सी में उसका पानी है और उबाला था उसका पानी है, तो ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी, इसको वेस्ट नहीं करूंगी। और 10 मिनट में हमारी सब्जी पक जाएगी। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है जो हमने उबाला था उसका, और ये इतनी ठीक है और अभी पक जाएगी तो ये और ठीक हो जाएगी। आपको भी जिस तरह ग्रेवी रखनी हो कर सकते हो। अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए और हमारी सब्जी बन जाएगी, जब तक हम अपने भगोसे की तैयारी करने जा रहे हैं। देखिए गाइस ये हमने बर्तन चढ़ा दिया है, अब इसमें हम भगोसे बनाएंगे। इसमें डालेंगे पानी, पानी अपने हिसाब से डालना है ताकि जिस बर्तन से हम स्टीम कर रहे हैं वो डूबे ना। देख लीजिए ये मैंने अपने बर्तन के हिसाब से डाला है। अब इसको गैस को जला देंगे हम। जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसके ऊपर बर्तन रखेंगे और अपने भगोसे रखेंगे। ये देखिए गाइस पानी उबल गया, अब इस पर हम ये अपना बर्तन रखेंगे। ये देखो पानी ऊपर नहीं आ रहा है, इसी तरह आपको बर्तन रखना है। अब इसमें हम अपने भगोसे रखेंगे। इसी तरह आराम आराम से अपने सारे भगोसों को हमें सेट करना है। ये देखिए हमने सारे सेट कर दिए, अब इसको ढक देंगे, प्रॉपर ढक देंगे जिससे इसकी एयर ना निकले। ये मैंने ढक्कन लिया है जिससे ये पूरा ढक जाएगा इस तरह, और इसको हम 15 मिनट के बाद देखेंगे और हमारे भगोसे तैयार हो जाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम पूजा की तैयारी कैसे कर रहे हैं। और अब हम खाना हमारा बन चुका है और अब हम पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। जो जो सामान वहाँ रखना है पहले हम उसको रखेंगे, फिर हम खुद रेडी होंगे। आइए देखिए कैसे हम पूजा की तैयारी करते हैं। सो गाइस आज करवा चौथ है, सबको हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए गाइस मेरी मम्मी क्या कर रही है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस मेरी मम्मी जो है वाटर कलर से इन बर्तनों को, यूटेंसिल्स को जो है डेकोरेट करेंगी, तो हम आपको दिखाएंगे गाइस। देखिए गाइस ये देखिए गाइस ये करवे हैं, हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। जिस तरह बाजार में करवे मिलते हैं डेकोरेट हुए, बाजार में डेकोरेट हुए करवे मिलते हैं, हम इसको घर में डेकोरेट करेंगे। क्योंकि ये पीतल का करवा है, जिसके इस मायके से पीतल का करवा आता है वो इसी को पूजता है, और नहीं तो बाकी लोग खरीदते हैं मिट्टी का जो रेडीमेड सजा हुआ आता है। तो चलिए हम इसको सजाने चल रहे हैं। ये देखिए देखिए गाइस मेरी मम्मी जो है इस तरह डेकोरेट कर रही है करवे को। देखिए गाइस अब रेड कलर से डेकोरेट कर रही है मम्मा। देखिए गाइस हमारा करवा तैयार हो गया, देख सकते हैं किस तरह सुंदर लग रहा है। इसी तरह हम कटोरी को भी करेंगे। देखिए गाइस इस तरह हम इसको भी डेकोरेट कर रही हैं मम्मी और व्हाइट कलर से करेंगी, अभी रेड कलर से कर रही थी। ये बहुत सुंदर लगने वाला है बाद में।
हमने गाइस अभी आपको खाने की वीडियो दिखाई कि क्या क्या खाना बनता है, और अब हम तैयार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे करवा कैसे मनाते हैं। देखो ये मैंने तैयार कर दी, ये इसके ऊपर ऐसे रखी जाएगी, इसमें गेहूँ रखा जाएगा, अंदर भकोसे रखे जाएंगे, मिठाई रखी जाएंगी, सीके लगाई जाएंगी। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो पे। देखिए गाइस ये हल्दी है, आप देख सकते हैं, और ये जो चावल पीसे थे वो है। देखिए गाइस इनके थप्पे लगेंगे गाइस। ये सिंदूर है और वो देखिए गाइस ये गोबर से बने गोरी है, इन्हें हम गोरी कहते हैं, उनको ही हम पूछते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए गाइस ये आटे की छोटी छोटी लोइयां है, और गाइस ये सीख है, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस ये धूप पत्ती है, ये गेहूं है गाइस, ये फूल माला, और गाइस ये कुछ फल है। देखिए गाइस ये मिठाई है और ये लोटा है। तो गाइस हमने आपको सारा सामान बता दिया है। जब मम्मी पूजा करेगी तो हम आपको दिखाएंगे कि मम्मी कैसे कर रही है पूजा। गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा करवा सज गया है, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में गाइस। और गाइस ये कटोरी है जो सज गई है, देख सकते हैं आप। ये सारा सामान है, जब मम्मी पूजा करेंगी तो गाइस हम आपको दिखाएंगे। गाइस मेरी मम्मी महावर लगा रही है, महावर लग चुका है, और देखिए इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से लगाया है, करवे के लिए तैयार हो रही है। देखिए गाइस इन्होंने, मेरी मम्मी ने दोनों पैरों में इतना अच्छा अच्छा महावर लगाया है। हम तो अपने प्याज के रूप में हाउस कर